इंग्लिश के मशहूर न्यूज चैनल CNN के एक रिपोर्टर ने भारत में आकर रिपोर्टिंग करने के दौरान इंसान की खोपड़ी खा ली। देखिए ये वीडियो उसी वक्त का है। अब इस वीडियो पर हंगामा मच रहा है। इस वीडियो में दिख रहे रिपोर्टर का नाम रेजा असलान है। दावा किया गया है कि अघोरी साधु ने शो में रिपोर्टर रेजा असलान को एक मरे हुए इंसान का नरमुंड खिलाया। अघोरी का दावा था कि ये मनुष्य के दिमाग का हिस्सा है। शो में दिखाया गया कि बनारस में रेजा असलान को नरमुंड में डालकर शराब पिलाई गई और फिर दिमाग का हिस्सा खाने को दिया गया। इस शो के प्रसारण के बाद अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य तुलसी गबार्ड ने कहा है कि इस तरह के सीन दिखाकर CNN हिंदुत्व की गलत छवि पेश कर रहा है। बनारस समेत दूसरे हिस्सों में फिल्माए गए इस शो में 44 साल के रेजा असलान ने अघोरियों के कहने पर पहले एक चिता की राख अपनी देह पर मली और फिर कई कर्मकांड किए। एक मौके पर बहुत सवाल पूछने से अघोरी चिढ़ गया और रिपोर्टर की गर्दन काटने की चेतावनी दे डाली। असलान ईरानी मूल के स्कॉलर हैं, जो कई धार्मिक विषयों पर शोध के लिए जाने जाते हैं। इस वीडियो को लेकर अब विवाद गरमाता जा रहा है और कहा जा रहा है कि जानबूझकर ऐसे वीडियो के जरिए भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।